ऑपरेशन खिलवाड़ में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे डॉक्टर से जिसकी डिग्री अगर चिकित्सा के देवता धनवंतरी सुन ले तो सोच में पड़ जाए कि भला ये कौन सी डिग्री है, लेकिन बेचारी जनता के लिए, अनपढ़ जनता के लिए सिर्फ यस यस, नो नो और थैंक यू बोलने वाला ही पढ़ा लिखा बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। बालाजी मोड़ कच्ची बस्ती क्लिनिक, अब जरा अपने इन डॉक्टर भगवान की शिक्षा पर भी गौर फरमाइए। ये बड़े गर्व से कहते हैं कि इन्होंने बीए किया है और वो भी मेडिकल के सब्जेक्ट के साथ। ये आपने कहा तो पढ़ना होता बीए करा है। साइंस बायोलॉजी, साइंस बायोलॉजी क्या क्या है, साइंस बायोलॉजी क्या क्या है? आपने साइंस बायोलॉजी करके हमने पढ़ाई किया है। क्या किया था, कौन क्लास तक पढ़े हो? बीए करा हूं ना। ये बात राजस्थान और देश के शिक्षा मंत्री सुन ले तो उन्हें भी चक्कर आ जाए, भला ये कौन सी डिग्री है चिकित्सा की। ये तो खुद धनवंतरी ने भी नहीं सोचा होगा, जो भारत में चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। कहाँ है बताओ? आप सीएमओ हो क्या? सीएमओ हो क्या आप? पहले आप सीएमओ का वो दिखाओ, फिर दे दे क्या मेरी सर्टिफिकेट। चौंकिएगा नहीं, क्योंकि इन डॉक्टर साहब ने गनीमत है बीए तो किया है, कई तो महज आठवीं पास ही हैं। और तो और कुछ अनपढ़ भी निकल जाए तो हैरान ना होइएगा, कम से कम क्लिनिक तो खुद का है ना। नॉट फॉर सेल दवाई दी जाती है आपको, इन डॉक्टर साहब ने बीए साइंस में किया है, आपको किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ये डॉक्टर साहब सारी बीमारी का इलाज कर देते हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने इनको इनके अपराध का एहसास कराया तो माना भी और कहने लगे कि हम हमारा धंधा कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? तो ये गलत है डॉक्टर साहब, आप ऐसे दवाइयां देते हैं जो आपको नहीं लगता क्या कि ये गलत है? कानून में अपराध है ये सब, आपको नहीं लगता कि आप ये अपराध है कि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है और आप बीए तक पढ़े हैं और उसके बाद आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं लगता? नहीं गलत है, गलत किस बात का है? इनको एम आर नॉट फॉर सोल दवाई दे जाते हैं। आपको एम आर लोग देके जाते हैं? एम आर से कांटेक्ट है, उनसे करते हैं, दे जाते हैं थोड़ा बहुत। कार्रवाई के लिए कोई आता है तो डॉक्टर साहब दुकान बंद कर देते हैं, वो भी 2 से 3 दिन के लिए। आते हैं ना इधर चेकिंग वगैरह, आते हैं ना, बता दिया ना, बंद करके भाग जाते हैं, 2-3 दिन बंद कर देते हैं, फिर जब शांत हो जाते हैं तब चुपचाप खोल लेते हैं। सर नाम आम नहीं लिख रखा तो पता कैसे चलता क्लिनिक है? आप कहो तो लिख दूंगा। लिख दो ना, नाम आम तो लिखो। बरसाती मेंढकों की तरह फैले हुए इन डॉक्टरों को ढूंढते हुए हमारा खुफिया कैमरा पहुंचा मालवीय नगर। यहां के क्लिनिक का नाम का अता पता नहीं, लेकिन अंदर बैठे डॉक्टर साहब को हर बीमारी का इलाज पता है, मानो मेडिकल की दुनिया के गूगल हो। मालवीय नगर कच्ची बस्ती क्लिनिक। बंगाली डॉक्टर साहब बिना कुछ बाहर लिखे ही अंदर हर मर्ज का इलाज करते हैं। दो चम्मच करके और वो कैप्सूल एक टाइम में दो टाइम सुबह शाम खाना करेंगे। कैप्सूल पीने की कैप्सूल भी देना पड़ेगा, देखो कैप्सूल जो वो निकल जाएगा तो सूखा काफी है ना, निकल जाएगा। आप जाके देखो ना, कम से कम 5 दिन बाद।
ये वाला आधी आधी दे दो, पूरा नहीं आधी दे दो। प्रचार कर रहे हैं ना, कब सिर्फ दे वो कब सिर्फ तो अभी मेरे पास नहीं, वो मेरे अकाउंट है ना, वो कल बाजार जाएगा लड़का, उसके बाद आएगा। मैं सिर्फ 15 का दवाई लेकर और दोबारा आए नहीं, से फोन करके बोला डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हो गया, लेकिन गोली भी लेना पड़ा। अब खिला दो आधी आधी करके दो टाइम, खाने के बाद ना। और वाला सिरप है ना बेनाडियल, वो भी यही का? नहीं नहीं नहीं, कहाँ क्या हो आप? यहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल क्या हो? अब आपको दिखाते हैं जनता की जान से खेल रहे जनता क्लिनिक की असली कहानी, जरा देखिए। ये है जनता क्लिनिक, यहां जनता जाती है जान बचाने की आस में, लेकिन जनता की जान से खुलेआम खिलवाड़ होता है और डॉक्टर साहब हंसते हुए लोगों की हंसी उड़ाते हैं और कानून का मजाक भी। पूरी तरह से हैरान है, मतलब क्लिनिक चलाने के लिए और चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है? रजिस्ट्रेशन है तो चलाने के लिए है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप जाके वहाँ पे इंक्वायरी कर लीजिए। चलिए, इन फर्जी डॉक्टरों के बीच कोई तो ऐसा है जो डिग्री दिखाता है और रिकॉर्ड चेक करने की बात भी करता है, लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़ करने से ये डॉक्टर साहब भी नहीं चूकते। दरअसल ये डॉक्टर साहब होम्योपैथिक दवाई दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें एलोपैथिक दवाई चाहिए उन्हें भी नाराज नहीं करते। एलोपैथिक कम ही देते हैं, जिसको अगर जरूरत होती है तो उसको दे देते हैं। एलोपैथिक दवाई देने में तो इनका फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये दवाइयां खरीदनी ही नहीं पड़ती, खुद ब खुद बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयों की मार्केटिंग करने वाले इन्हें फ्री में सैंपल के नाम पर दे जाते हैं और ये सैंपल को मरीजों को देकर माल कमाते हैं बिना दवाई की केमिकल कंपोजिशन जाने। अब आप जवाहरलाल नगर सरकारी अस्पताल को देखिए, इसके बाद आप ये सवाल नहीं करेंगे कि आखिर क्यों झोला छाप डॉक्टर लगातार बढ़ रहे हैं। जरा देखिए इनकी पैदावार में खाद का काम कौन कर रहा है। जवाहर नगर सरकारी अस्पताल CSC, यहाँ तो दो ही डॉक्टर हैं और दोनों ही छुट्टी पर हैं। कोई आज डॉक्टर साहब आए नहीं क्या? ये होम पे। सारे मैडम तो एक महीने की छुट्टी पे हैं और सरकार वीकली होम पे। ANM शांति चौधरी और फार्मेसिस्ट महेंद्र चौधरी जी धूप सेक रहे हैं, मरीज आकर लौट रहे हैं, मरीज को अटेंड करने के लिए कोई नहीं, मरीज भगवान भरोसे। तो ये था हमारा पूरा ऑपरेशन खिलवाड़, लेकिन इसके अंत में ये बताना और जानना भी जरूरी है कि आखिर बरसाती मेंढकों की तरह, कुकर मुत्तों की तरह ये बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वजह बड़ी है। जरा देखिए, पूरे राजस्थान में चल रही है, इवन थ्रू आउट इंडिया चल रही है। कमाल है, कोई आम आदमी ये कहे तो समझ में आए, लेकिन CMHO साहब कहे भला फिर कहने को क्या बचे। अब जरा इन्हीं CMHO साहब का ये बयान भी सुनिए। 5 लोगों की टीम है वो बनी हुई है और वो टीम है, वो टीम जाकर के कार्रवाई करती है। अब पहले क्या कहा गया था फिर गौर कीजिए और ध्यान से सुनिए। पूरे राजस्थान में चल रही है, पूरे राजस्थान में चल रही है, इवन थ्रू आउट इंडिया चल रही है। है ना कमाल, इन झोला छापों को रोकने के लिए टीम भी है, लेकिन फिर भी पूरे प्रदेश में झोला छाप फंगस की तरह फैले हैं। अब कौन क्या काम करता है बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि सरकारी योजनाएं भी, मुफ्त दवा भी लोगों को झोला छापों को झांसे से निकाल नहीं पा रही और लोगों को सरकारी दवाओं पर विश्वास नहीं। दोनों में दवाइयों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इलाज सही नहीं होता है उन दवाइयों से, जगह जगह भटकना पड़ता है, लाइन में लगना पड़े, फिर भी दवा पूरी नहीं मिलती। अस्पतालों में डॉक्टर का ना होना लोगों के लिए मुसीबत है और इन झोला छापों के लिए लॉटरी। लोगों के
के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टर जितना इस मामले में दोषी हैं उससे कहीं ज़्यादा सरकारी योजनाओं की खामियाबी इसके लिए जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि लोग ना चाहते हुए भी झोला छाप डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ अशोक चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। तो ये था फर्स्ट इंडिया का स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन खिलवाड़, जिसमें हमने आपको बताया कि आपके ही नजदीक किस तरीके से मौत के सौदागर रहते हैं और आपके परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनसे जरा बच के रहिएगा। नमस्कार।